अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज है ईद का दिन और मैं अभी फजर पढ़ के डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ शीरकुरमा बनाने। तो आज मैं आपसे शीरकुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा टोप लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट किया था। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मैं इसे अच्छे से कम 5 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तो मैंने इसमें 3 लीटर दूध ऐड किया है क्योंकि मैं 3 लीटर का शीरकुरमा बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से दूध ऐड किए कि आपको कितनी क्वांटिटी का चाहिए। अब मैंने इसमें यहाँ पर 3 कप के करीब शुगर ऐड कर दी हूँ, ये भी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क मेड इसमें ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा सेवई ऐड कर दी हूँ, मुझे ज़्यादा सेवई पसंद नहीं इसलिए मैंने थोड़ी ऐड की, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज के लिए, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नौश मतलब मेरा पूरा नाम है नौशीन सैयद और ये है मेरा बेटा अदियान। तो मेरे और मेरे बेटे की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अदियान ईद मुबारक। फ्रेंड्स, नए घर में मेरे ये पहली ईद है, तो मैं आज आपसे अपना फर्स्ट टाइम अपना रूम टूर कर रही हूँ। तो चलो मैं आपको अपना रूम बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा हॉल। इस तरह से मैं यहाँ पर ये दो लैंप लगाई हूँ और ये फ्रेम तो आपने मेरे पहले वाले भी रूम में देखा था, तो उमरा के लिए गए थे 2019 को, तब मैंने वहाँ से लाई थी। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, माशाल्लाह लिखा है। और ये वाली लाइट्स भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर की है और इंशाल्लाह मैं इसको और भी डेकोरेट करूँगी, तो उसका वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरा हॉल है। तो अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा सिंक एरिया है, इस तरह से ये मेरा सिंक एरिया है। इसके एग्जैक्ट सामने ये मेरा किचन है। तो इस किचन को आपने बहुत टाइम मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये चना बनाया है और ये शीरकुरमा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो आज ईद है तो ये थोड़ा मेसी सा है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। तो इस तरह से ये किचन है और ये यहाँ पर इस तरह से मेरा ये बेडरूम है।